बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जांजगीर जिले में पामगढ़ विकासखंड के बीईओ ने अपने क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सारी व्यवस्था सही पाई गई। बीईओ ने बताया कि क्षेत्र के 43 हायर सेकेंडरी और 70 हाई स्कूल में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है। बोर्ड परीक्षाओं की मॉनिटरिंग को लेकर पामगढ़ विकास खंड के बीईओ राजेंद्र शुक्ला ने अपने क्षेत्र के सभी सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बोर्ड परीक्षाओं का संचालन बेहतर ढंग से होने की बात सामने आई। छुटपुट शिकायतों को छोड़ दें तो सभी केंद्रों में परीक्षा सुनियोजित ढंग से चल रही है। बीओ ने बताया कि 43 केंद्रों में हायर सेकेंडरी और 70 केंद्रों में हाई स्कूल की परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। मेरे विकास खंड में परीक्षा का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है। बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ की परीक्षा कंडक्ट हो रही है। पारदर्शिता दिख रहा है। हमारे शिक्षक, हमारे केंद्राध्यक्ष और हमारे जो पुलिस जवान हैं वो पूरी सुरक्षा के तहत इस परीक्षा को कंडक्ट करा रहे हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के 43 सेंटर्स हैं और हाई स्कूल परीक्षा लगभग 70 सेंटर्स हैं। एक दो स्कूलों को छोड़ के एक दो सेंटर्स में छिटपुट शिकायतें आईं, उनको भी दुरुस्त कर लिया गया। नकल प्रकरणों को लेकर जब हमने बीओ से बात की तब उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में नकल के कोई भी मामले सामने नहीं आए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इसी तरह परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करा ली जाएगी। ब्रांड एसएन न्यूज के लिए जांजगीर से महेंद्र कुमार के साथ भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट।